कुल्लू के विधायक और सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के साथ मेरा यूं घूमने का क्या कारण था। इस रिपोर्ट को पूरा देखें और जानिए कैसे इस बार का अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा होने वाला है खास। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर खुद बताएंगे इस बार क्या धमाल होने वाला है कुल्लू में। रिपोर्ट को पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, आप सभी को नवरात्रों की बधाई। और 10वें दिन यानी विजयदशमी के दिन आपको पता ही है कि दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। इस वक्त हम कुल्लू में, और कुल्लू का दशहरा जो है वर्ल्ड फेमस दशहरा है, और इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा फेस्टिवल यहाँ पे हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसी की तैयारियों का जायजा लेने हम आए हैं। इस बार हमें पता चला है कि जो सीपीएस हैं, विधायक साहब हैं सुंदर सिंह ठाकुर जी, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस यहाँ पे किए, तो वो चेंजेस देखने हम आए हैं कि कुल्लू में आखिर नया क्या होने वाला है। तो इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा। तो चलिए अभी सुंदर सिंह ठाकुर जी से मिलते हैं, उनके साथ थोड़ा घूमेंगे और देखेंगे कि कैसी तैयारियां चली है कुल्लू में दशहरे को लेकर। तो सुंदर जी के साथ इस वक्त हम जा रहे हैं थोड़े तैयारियों का जायजा लेने, और मैं अभी खुद भी अगर मैं देख पा रहा हूँ आसपास, तो अभी तक मैं पिछले पांच सालों से मैं दशहरा लगातार कवर कर रहा हूँ, और इन्होंने इस बार बहुत सारे मेरे को चेंजेस देखा, स्ट्रक्चर्स काफी अलग अलग दिख रहे हैं। तो थोड़ा ग्राउंड में अभी उतरेंगे, है ना सर? ग्राउंड में उतर के फिर थोड़ी बातचीत करेंगे। प्रदर्शनी मैदान है। अच्छा, हम उतर रहे। इस जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को एग्जीबिशन ग्राउंड कहा जाता है, और ये प्रदर्शनी मैदान है। यहाँ पे विभिन्न विभागों के यहाँ पे जो है प्रदर्शनियाँ लगती है, और यहाँ पे जो हैंडलूम्स की ये दुकानें लगती है, उसके साथ में ये जो आप इस तरफ देख रहे हैं, सबसे जो आप ये सामने जो बन रहा है अभी, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी हैं, तो अब फिर भी ये जो सामने बन रहा है ये इंटरनेशनल फूड चेन्स होंगे। उसके साथ में ये जो सिद्धू कॉर्नर्स है, ये जो बीच में बन रहा है, ये जो है इनको सिटिंग एरिया है। ये भी सारा इसमें डोम अपने जो खाने वगैरह, जो भोजन का आनंद लेना चाहेंगे वो। तो ये जो सर आप बोल रहे हैं जैसे इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स लगेंगे यहाँ पे, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, सभी कुछ, ये सारा जितनी चीजें, ये जो कैनोपी टेंट्स लग रही हैं, ये पहली बार ही नया स्वरूप है। और बीच में ये जो आपका ये जो हमारे जो डोम लग रहे हैं, या इसको जर्मन हैंगर, ये जर्मन हैंगर है जो अभी लगा रहे हैं, और ये जर्मन हैंगर के उस पर ये जो सारा काम हो रहा है, देखिए आप, ये इसमें सारे कॉमन फूड कोर्ट होंगे। ये जो सिद्धू वाला एरिया भी है, और विभिन्न प्रदेशों से जो यहाँ पे फूड स्टॉल्स लगेंगे उनका ये सिटिंग एरिया है बीच में। कहने का मतलब है देसी विदेशी लोकल और सब कुछ, सारा फूड मिला। और ये मेरे को लग रहा है ये भी शायद अभी बना है, ये हमारा अभी तैयार हो रहा है, ये अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ पे बनाया है। ये सारे हमारे मैडम है, ये यहाँ पे रेंज ऑफिसर हैं, और ये हमारे यहाँ पे बीओ हैं सनी जी, यंग टीम है यहाँ पे। कई दिनों से ये लोग सारे वन विभाग वाले कर रहे हैं। ये सीनियर सिटीजन्स कॉर्नर है वैसे, जनरली सीनियर सिटीजन्स का है। और ये जो यहाँ पे दोनों तरफ इसमें वो जो है वाटरफॉल बन रहे हैं, वही मैं देख रहा हूँ, ये वाटरफॉल क्या है ना, यहाँ पे झरने बन रहे हैं ये दोनों तरफ है। और ये जो मेरे यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ये पूरा का पूरा एक जो दूसरा जो स्टेज लगेगा वो यहाँ पे लगेगा। दूसरा स्टेज किसके लिए? दूसरा कलाकारों के लिए, क्योंकि अच्छा। विदेशों से 25 देशों से ऊपर लोग आ रहे हैं, और उन्हें इतना समय देना है, पूरा समय देना है। ऐसे में कला केंद्र तो है ही है, लेकिन यहाँ पे दिन के कार्यक्रम जो कला केंद्र में भी करेंगे, वो दिन का कार्यक्रम यहाँ पे होंगे। और आप देख रहे हैं ये पहली बार ही है कि यहाँ पे ऐसे कैनोपी टेंट्स लगाए जा रहे हैं, और इसमें हमारे सारा प्रशासन, पूरे विभाग, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। और हमारा टारगेट है कि दशहरे से पूर्व ही ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाए। और ये जो सामने लग रहे हैं ये मीना मार्केट है। मीना मार्केट यहाँ वो उसमें क्या रहेगा? देखिए, मुख्य तौर पे जो दशहरा का जो रहता है लेआउट है, उसमें ये सारा मीना मार्केट है, ये सारा मीना मार्केट है। और
वहाँ मेरी दाईं तरफ ये जो देव जहाँ पे आप तिरंगा देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। तिरंगा फहराता हुआ नजर आ रहा है, हाँ। तो उस तरफ को रघुनाथ जी का वो है, वहाँ से तो प्रोसेशन चलता है, सेशन हाँ। रघुनाथ जी की यात्रा शुरू होती है रथ मैदान, हाँ। उसको रथ मैदान कहते हैं, वहीं पे देव सदन है, वहीं पे एक अटल सदन है, तो ये जो मैदान जहाँ पे हम खड़े ये प्रदर्शनी मैदान है, नीचे रघुनाथ कैंप मैदान है, नीचे वाला उसके नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे झूले वगैरह और सब झूले लग रहे हैं, वहाँ पे झूले लग रहे हैं, और जो एक मार्केट वहाँ पे लगती थी जिसको लोग कहते थे कबाड़ी मार्केट, लेकिन हमने कबाड़ी शब्द हटा दिया है, क्यों वहाँ पे अच्छी कपड़ों की दुकानें भी लगती थी, तो उसके उसका नाम हमने फ्ली मार्केट कर दिया है, फ्ली मार्केट एक थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए, कबाड़ी शब्द क्योंकि ठीक नहीं था तो उसको हमने फ्ली मार्केट कर दिया। और उसमें सबसे बड़ी एक बात होगी जहाँ पे ये कैनोपी टेंट्स पहली बारी लग रहे हैं, उसके साथ में जो ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसमें हम धर्मशाला की तर्ज पे कल से वहाँ पे 4 हाई मास्क लाइट्स जो लगनी शुरू हो जाएगी, फ्लड लाइट्स दिन रात ये जो पूरा मेला जो यहाँ पे चमकता रहेगा ये पूरा, मतलब रात को भी ऐसे भी बताऊँ सर, जो हम देखते ना कि इंटरनेशनल लेवल का फेयर होता है वैसा, अभी मैं अगर खड़ा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैं 5 सालों से कवर कर रहा हूँ शिवरात्रि, बट ये आप मैं चाहूँगा थोड़ा पीछे दिखाएं आप ये, हाँ ये वाला जो ये जो हाँ ये जो अभी मतलब जो फील है ना सर यहाँ खड़े होके, वो अपने में बड़ा, और ये भी मेरे ख्याल से टाइलें वगैरह भी नहीं लगी हैं, सारा अभी लगा है ना, ये जो अभी यहाँ पे सारा ये बिछ चुका है, ये सारा जो कुल्लू नगर परिषद का जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम था उसमें ये सारा कोटा स्टोन बिछा है, और आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक सिमेट्री में सारी की सारी दुकानें लग रही है, और इस बारी कोई भी टीन टप्पर आपको नजर नहीं आएंगे, और क्योंकि मतलब पूरा कलर स्कीम है कि जो चदरें भी अगर लगेगी तो उन चदरों को जो है सबको रेड पेंट किया जाएगा, फेस्टिवल यूनिफॉर्म दिखे, हाँ यूनिफॉर्म ये सारे सभी को जो रेड पेंट किया जाएगा, मैंने इवन जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नीचे है उसमें पेंट लगना शुरू हो गया है, आप देख रहे होंगे छत वो रंग सर, वो और दूसरी छत को भी रेड पेंट होना शुरू हो गया है, ये सारा दशहरा फंड से हो रहा है, और एक बहुत बड़ा 25 से अधिक देश यहाँ पे आने वाले हैं, आज हमें कोई लगभग 18 देशों का तो वो आ गई है अभी, मतलब कि हम आ रहे हैं, मतलब कि उन कितने तारीख को आएंगे, क्या उनका मोड ऑफ वो रहेगा यहाँ पे आने का, क्या क्या किस तरह वो आएंगे, हमारा जिम्मा है कि हम उनको दिल्ली से उठाएंगे और दिल्ली से चंडीगढ़ से उठाकर उनको यहाँ लेकर आना है, और ये सारा हमारा जो एंट्रेंस है ये राइट में आप सामने देख रहे हैं वो कलक के अंदर है, वो कलक है, उसमें भी कुछ नया किया गया है, हम अंदर कुछ एक चीजें जो है वहाँ पे लगाने जा रहे हैं जिससे कि उसकी ज्यादा खूबसूरती बने, इसको कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि, तो जब नाम ही अंतर्राष्ट्रीय तो ऑब्वियस ही बात है लेवल अप होना चाहिए, आज तक नाम अंतर्राष्ट्रीय था पर अंतर्राष्ट्रीय गिनती के दो तीन कंट्रीज आती थी, लेकिन इस बार हमने 25 से ऊपर देशों का भी यहाँ पे समागम होने जा रहा है, तो इसलिए ये जो कार्यक्रम है थोड़ा बहुत भव्य बनाने के लिए यहाँ पे हम ये जो कुल्लू में बड़ा मशहूर ये पेड़ माना जाता है कि पूर्व में रहे मंत्री लालचंद प्रार्थी जी ने ये पेड़ लगाया था, तो इसके साथ खुला मंच लगेगा, ओके, तो जो जैसे डे टाइम परफॉर्मेंस यहाँ भी होंगी कला केंद्र में, ये आप देख रहे हैं कि अभी लाइट्स ऑन हो गई है, तो अच्छा ये आपने ये अभी लगाई है, नहीं ये दशहरे के लिए लगी है ये लाइट, इसी तरह की 4 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 4 और लाइटें लगेगी, उससे जो है पूरे का पूरा चमक जाएगा, मतलब एरिया दूर दूर से दिखेगा कि हाँ भैया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल का मेला बेगर फ्री, अच्छा, और फ्लाईलेस मेला होगा, कोई बेगर्स कोई मांगने वाले यहाँ पे नजर नहीं आएंगे इस साल के मेले में, और कोई मक्खियाँ बिन बनाती नजर नहीं आएगी, मतलब ये आप ये बताइए आपने खुद कितने सालों से ये दशहरा देखते आए होंगे, और मेरे को दशहरा समिति का मेंबर मैं पिछले 35 सालों से हूँ, लेकिन ये पहली बार ही है कि मैं अध्यक्ष हूँ, कमांड आई है बात में, एक जो इतना लंबा तजुर्बा जो इसमें था उसको अभी हमें मालूम है कि हमारी लोक संस्कृति का जैसे रघुनाथ जी की रथ यात्रा शुरू होती है उसके साथ में उसके अगले दिन हम एक कार्निवल कर रहे हैं इंटरनेशनल कार्निवल, उसके साथ में जो आगे जो आप जब आप चलेंगे तो बीच में
लालड़ी होगी जो रात का कार्यक्रम होता है, जो जिसमें कि मर्दों की टोली और जो महिलाओं की टोली वो आपस में गानों में सवाल जवाब होते हैं। अच्छा। वो भी रात को रखा हुआ है। उसके लिए हमारे लोकल फोक कोरियोग्राफ हो रहा है, धर्मेंद्र शर्मा है, कृष्णा ठाकुर है, ट्विंकल है, या हमारे और बहुत सारे लोग हैं, नाम अब जल्दी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन 12-15 कलाकारों की टीम है जो उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो ICCR की तरफ से अभी हमारे को 20 से ऊपर देशों का आना बिल्कुल निश्चित है, लेकिन और भी देशों को जोड़ा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि अब हमने हमारा जो है उसमें भी जो कोरियोग्राफ हो रहा है पूरा, जो हमारे हिमाचल का फोक है और ये विदेशी लोगों को जोड़कर एक हम उनका फ्यूजन बनाने जा रहे हैं। क्या बात है, वरना नई चीज़ देखेंगे। उसके लिए CS डायरेक्ट कंपनी जो सूरजकुंड के मेले में कोरियोग्राफी करती है, या वो काफी बड़ा मेला हरियाणा का, मैं बताऊं दर्शकों का बहुत बड़ा मेला है, उसी के जो वो इवेंट मैनेजर कंपनी है उसको हमने यहाँ के लिए तैयार किया है। वो अभी 18 तारीख के बाद यहाँ पे आ जाएंगे और कोरियोग्राफी पूरी वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेज लगेगा और इसके ऊपर अभी काम है। सर की आपका ही दिमाग चल रहा है इसमें कि और कौन सपोर्ट कर, बहुत बड़ी टीम है। हाँ। लेकिन ये जरूर है कि कुछ अनुभव है जो एक ट्रेवल सदस्य रहे। हाँ। मुझे इन देवी देवताओं की कृपा से मैं थोड़ा बहुत घूमने का देश विदेश मौका मिला है, तो हम हर जगह से कुछ न कुछ उठाकर सूरजकुंड मेला भी देखा है, और ऐसे में प्रशासन बहुत मेहनत कर रहा है। मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो 30 डेज टू गो फॉर कुल्लू दशहरा, पहली बार ही हुआ कि हमने पीटर ऑफ शिमला में कर्टन रेजर किया, उसके बाद मैंने 15 दिन का जो कर्टन रेजर मैं खुद दिल्ली में मैं करके आया हूँ। तो ऐसे में सारी लगे हैं, भाषा विभाग हमारा लगा हुआ है, सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपने देखा PWD लगा हुआ है, और एग्रीकल्चर वाले हैं, हॉर्टिकल्चर वाले हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, म्यूनसिपल कमेटी ने सफाई का कार्यक्रम संभाल रखा है, सभी लोग इसमें कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है एक टीम की तरह हम काम कर रहे हैं, और इसमें उम्मीद रखते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव सही मायने में इस बारी अंतर्राष्ट्रीय अपने नाम के स्वरूप अनुसार मतलब कहाँ इस बार दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप इसकी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव बिल्कुल जो नाम है अंतर्राष्ट्रीय वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय नज़र आएगा। और इसके लिए खास हमारा जो कार्निवल है हम जो 25 तारीख को होगा, 24 को तो रघुनाथ जी की यात्रा शुरू होगी, 25 को हमारा कार्निवल है, और बीच में एक दिन हमारा है जो कुल्लू कार्निवल भी है, फिर लालड़ी का भी है, फिर लंका दहन है, और उसके साथ में हमारा जो बहुत बड़े रोज़ का जो कलाकार दशहरे में नीचे परफॉर्म कला केंद्र में करेंगे वो खुले मंच पे भी करेंगे, दोनों जगह बराबर का सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ का क्राउड भी बहुत अच्छा होगा, वहाँ भी होगा प्रतिस्पर्धा, दोनों मंचों में लगी रहे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये सर इस तरफ चलेंगे अब हम ना गाड़ी में आपकी, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ये हम होप करते हम आएंगे उस दिन भी सर, इनॉग्रेशन के दिन भी आएंगे। और बिल्कुल सभी देखिए, हमने इस बारी जितने हमारे सारे चैनल्स हैं, जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, और सारे मीडिया हाउसेज हैं, सबको हमने इनवाइट किया है, और हम उनके लिए एक अगर कुछ ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियली तो इस बारी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हम जितने जो संसाधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, और वही हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारा कुल्लू का एक स्वभाव है, देवभूमि का एक स्वभाव है, हिमाचल का एक स्वभाव है, कि यहाँ के लोग बड़े खुले मन से सबका स्वागत करते हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि हम जितने हमारे मीडिया हाउसेज हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके चैनल हैं, हम सबका स्वागत करना चाहते हैं कि आइए और इस जो दशहरे का प्रसार एक्सपीरियंस को प्रचार प्रसार में हमारी मदद कीजिए, और हमें आपसे भी उम्मीद है कि आपके इससे व्यूअरशिप में भी बहुत इजाफा होगा, और हम पूरी कोशिश रहेगी कि सबको जो कम से कम जो सुविधा हम रहने की दे सकें, और कुछ और जो खान पान की जो सुविधा है वो हम मुहैया करवाएंगे, पर ये जो कार्यक्रम है इसको एक बड़े अच्छी तरह से आप इसको करें,
कवरेज करें आप सबका, मैं इसके लिए स्वागत करता हूं। उस वक्त ही आएंगे और उस वक्त भी हम आपसे एक इंटरव्यू ऐसे ही लेंगे चलते चलते। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और एक राउंड और मारेंगे सर के साथ सर्किट हाउस का और फिर चल पड़ेंगे। थैंक यू सर। ये हमारा ये पूरा हमने घास है, इसमें आराम से। अच्छा, ये घास इसमें पूरा हमने जो स्प्रिंकलर लगा के घास है, ये अभी किया ये काम भी है ना? बिल्कुल सर। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।